नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल ओनली टीचिंग पर। दोस्तों ने दिया है, जी हाँ दोस्तों, ये बताते हुए जो बहुत खुशी हो रही है कि DSSB ने आज मोस्ट अवेटेड रिजल्ट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट कोड 89/17 का रिजल्ट डाल दिया है, और ये ऑफिशियली इन्होंने अपनी वेबसाइट पर नोटिस भी डाल दिया है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए नोटिस नंबर 772 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी इन डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD अंडर पोस्ट कोड 89/17। यहाँ पर आप देख सकते हैं DSSB ने एडवर्टाइजमेंट की थी वैकेंसी अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2017, और 1394 वैकेंसीज थी जिसमें UR की 733, OBC की 341, SC की 177, ST की 143 इंक्लूडिंग फिजिकली हैंडीकैप OH 21 एंड VH 21। तो इस तरीके से उन्होंने ये वैकेंसी एडवर्टाइज की थी, और 71,912 कैंडिडेट्स के मार्क्स इनको मिले हैं, और जिनके पेपर 6, 7, 10, 11, 14 और 29 नवंबर को हुए थे। तो इस तरीके से इनके एग्जाम्स हुए थे, और यहाँ पे फिर DSSB ने कट ऑफ डाल रखा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं जो कट ऑफ गई है UR की, जिसमें कि 733 सीट्स हैं, इनकी कट ऑफ 118.62 गई है। OBC की आप देख लीजिए 341 सीट्स के लिए कट ऑफ जो है 110.40 गई है। SC की 104.69 गई है, ST की 86.30 गई है, एंड फिजिकली हैंडीकैप OH में 102.17 एंड फिजिकली हैंडीकैप VH कैटेगरी में 86.18 गई है। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इन कट ऑफ पर, तो जो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपने मार्क्स अपनी लॉगिन ID डालकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपके मार्क्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको ईडोजर फिल करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया, 26 मार्च 2019 से लेकर 4 अप्रैल 2019 तक आपको अपने ईडोजर फिल करने हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिएगा कि DSSB ने यहाँ पे साफ साफ कह रखा है कि इन पर बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, तो जो भी फाइनल सिलेक्शन जो भी होगा, जो भी फाइनल ज्वाइनिंग होगी, उस वो सारा कुछ इन केसेस को ध्यान में रख के किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मोस्ट अवेटेड रिजल्ट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सभी चयनित उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। हालांकि मैंने इसकी प्रिडिक्शन काफी दिन पहले कर ही दी थी कि जल्द ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और आज रिजल्ट आ गया।